नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए, आज हम कटहल, जिसको हम बड़ा वाला ताज़ा ये हरा कटहल लेके आए हैं। और कटहरी तो अलग होती है, वो तो बहुत ही छोटी पीस होती है। और ये मैंने हाफ के जी लिया है, 500 ग्राम। और इसमें हम 2 बड़े प्याज, 2 आलू मीडियम और 4 से 5 मिर्ची, थोड़ी सी लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसका मैंने ये पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, ये प्याज 2 और मिर्ची और लहसुन अदरक का मैंने ये देखिए पेस्ट बना लिया है। अब इसका प्रोसेस मैं शुरू करती हूँ कुकर में ऑन करके। ये देखिए, ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इससे मैं 2 कलछुल तेल डालूँगी फ्राई करने के लिए। ये देखिए, मैं 2 बड़ा टेबल स्पून, ये देखिए, मैं तेल डालूँगी। इसको फ्राई भी करूँगी और इसी में सब्ज़ी भी बनेगी, क्योंकि कटहल में थोड़ा सा तेल अच्छे से लगता है। ये देखिए बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 पिंच हींग। ये देखिए, 1 पिंच हींग डालेंगे जब तक गर्म होगा। उसके बाद डालेंगे मेथी दाना। ये तो आप जानती हैं कि हर सब्जियों में मेथी दाना का बहुत ही अपने आप में, ये 1/2 टेबल स्पून हमारा मेथी दाना है, इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद हम ये गर्म हो जाए तो मैं इसमें फुल है आँच, अब मैं कटहल को डालूँगी और बहुत ही जायकेदार ये सब्ज़ी बनेगी। इसका मैंने देखिए, ये सब्जियों में ये देखिए, ये ऊपर का पीस ही दुकानदार नहीं काट के देते हैं, इसको आप लोग निकाल लीजिए। इससे आपका टेस्ट, ये इसमें रहेगा तो उतना टेस्ट नहीं आता है। ये कटहल के बीच का हिस्सा है, इसको निकालना, साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये देखिए, ये जैसे इतना पीस ये काट के देते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी में जाएगा तो ये इतना टेस्ट बिगाड़ देता है, इसलिए मैं इसको पूरा निकाल देती हूँ, तो ये हमारा सब्जी बन जाता है। आप देखिए, मेथी हींग में मैंने कटहल को फ्राई करना है। इसको मैंने धुल कर रख लिया था कि पानी इसका सूख जाए। ये देखिए, अब मैं इसको फ्राई कर लूँ 2 मिनट, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा कितना अच्छा कटहल भुज गया है, एकदम लाल गोल्डन ब्राउन कलर। 2 मिनट मैंने इसको धीमी आँच में सिम करके मैंने इसको भुज लिया है। अब मैं गैस बंद करके इसको निकालती हूँ, फिर आलू फ्राई करती हूँ। ये देखिए, कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन हो गया है, एकदम हलवाई की तरह ही बनी गई है सब्ज़ी। इस समय कटहल का बहुत ही अच्छा सीज़न है, बहुत लोग कटहल की सब्ज़ी पसंद करते हैं, बहुत लोग कटहरी की पसंद करते हैं। मैंने पिछली बार आपको कटहरी के भी बना के दिखाया था। अब देखिए, इसी तेल में मैं इसको आलू को फ्राई करूँगी, क्योंकि तो आलू को बिना फ्राई किए तो मैं बनाती नहीं हूँ। ये देखिए, जब तक ये भुज रहा है मैं मसाले डाल लेती हूँ अपने। ये देखिए, ये लहसुन प्याज के पेस्ट में देखिए, ये मैंने 1 चम्मच भरकर, 1 टेबल स्पून ये हमारा लाल मिर्च है और ये हमारा 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच मैं स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ, जो बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरी सब्ज़ी में भरपूर हो जाएगा, भूजने में भी जल्दी हो जाएगा। अब मैं चला दे रही हूँ, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अब ये भूजता रहेगा। अब इसके बाद मैं डालूँगी इसमें ये गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून और ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, मैं इसको भी डालूँगी। इसके बाद ये लहसुन प्याज अदरक हमारा इसमें पिसा हुआ है, जो हमने पेस्ट बना लिया है, और इसी में हम 2 पाउच इसमें
ये जो हमारा खास सब्जी मसाला है, ये देखिए, ये जो मैं राजेश का सब्जी मसाला डिब्बे का मंगाइए या पाउच मंगाइए, थोड़ा सा ये सुविधाजनक बहुत ही अच्छा ग्रेवी बनाने में आपका किंग मसाला भी आता है, लेकिन हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इसको इस्तेमाल करके एक बार देखिए, फिर बताइए इसका टेस्ट कितना ज़ोरदार है। देखिए दो पाउच मैंने सिर्फ डाला है और ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही लज्जतदार बनेगी। देखिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। हो गया है मेरी सब्जी। अब मैं इसको निकालती हूँ, गैस को ऑफ कर दूँ, इसमें निकाल के बिल्कुल अच्छे से इसका टेस्ट, जो नमक अंदर चला जाता है और साथ में जल्दी भुज जाता है, आलू को जब भी सब्ज़ी का अलग से खाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए कभी भी आप सब्ज़ी बनाइए, कोई भी सब्ज़ी भूले भटके जल्दी भी हो, फिर भी आप इसको फ्राई करके ही बनाइए। ये देखिए अब मैं इसमें एक टेबल स्पून तेल मसाला के लिए, एक से कम ही होगा, और इसके लिए मैं आँच को तेज कर देती हूँ। अब मैं मसाला को डालती हूँ। ये दो तेज पत्ते हैं मैंने डाल दिया है इसमें, और थोड़ी सी हींग, ये देखिए एक पिंच और डाल दिया। इससे हमारा कटहल खाने में दिक्कत नहीं होती है। और ये मेरा गरम हो गया है मसाला। अब देखिए मैं पूरा मसाला आपके सामने ये डाल रही हूँ, भरपूर है। मसाले को थोड़ा सा ग्रेवी में पानी डालूंगी, जिससे ये अच्छी तरीके से हमारा पूरा मसाला निकल जाए। अब मैं इसको 2 मिनट मसाला ढककर मैं इसको भूजूंगी, फिर मैं मसाला भूज जाए तो आपको दिखाती हूँ कि तेल कैसे अलग हो गया। हाँ ये देखिए 2 मिनट लगभग हो गया, और देखिए सारे तेल हमारे किनारे किनारे भूज कर अलग हो गए, छोड़ दिए, मतलब मसाला हमारा भूज तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सारा आलू जो मैंने फ्राई करके रखा है, इसकी अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला भी बढ़िया भूज रहे हैं। और इसके बाद मैं डालूंगी कटहल को इसमें, जो मैंने फ्राई करके रखे थे। और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, देखिए कितना अच्छा भूज गया है। सब्जी बहुत ही जल्दी ये बनती है, अगर आप फ्राई नहीं करेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट में बहुत ही आपको लगेगा कि हाँ, भूजने के बाद ये सब्जियाँ अलग से बहुत अच्छी होती हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा जो डाला है कुछ तेल लग गया था, इसलिए मैं खमा दे रही थी, ऐसे कुछ खाया नहीं। और इसके बाद मैं इतना बस मुश्किल से 1.5 कटोरी पानी होगा ये मिक्सी के जार से डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बिल्कुल अच्छी सब्जी बनानी है। बहुत
तीन सीटी बजने तक मैं इसको वेट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए मैं प्रेशर निकाल रही हूँ, मेरे तीन सीटी लगभग बज रहे हैं। अब मैं आपको कटहल को निकाल कर सर्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये ताज़ा कटहल है, इसको ज़्यादा हमें पकाने की जरूरत नहीं है, खड़े पीस होने से ही। और चावल के साथ, दाल चावल के साथ में, रोटी पराठा के साथ में, और सबसे अच्छा पूड़ी के साथ में खाइए। ये कटहल बहुत ही टेस्टी बनता है। कटहरी तो हमारा खास होता है, जो हम केवल दाल चावल के साथ ही खाते हैं, उसको पूड़ी के साथ नहीं। लेकिन ये देखिए क्या लाजवाब सब्ज़ी हमारी बनी है। अब आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी कैसी है। अब इसको देखिए, मैं सब्जियों को निकालूंगी, बिल्कुल खड़े पीस में रहेंगे, और इसी को हम और चार सीटी बजा देंगे कि चिथड़ा हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि बहुत अलग अलग रेसे हो गए हैं। और देखिए मैंने ज़्यादा रसा भी इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि ये हमें तरीके से दाल चावल के साथ ही ये खाना है। अब इसमें हम सर्व करेंगे ये, इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा धनिया का पत्ती। सबसे पहले तो मैं कसूरी मेथी डालूंगी थोड़ा सा क्रश करके। ये देखिए ये कसूरी मेथी हमारा थोड़ा सा क्रश करके डालिए, तो बहुत ही अच्छा ये फ्लेवर देता है। उसके बाद हम इसको गार्निश करते हैं थोड़ा सा धनिया के पत्ती के साथ में। ये देखने में अच्छा, खाने में तो टेस्ट में बहुत ही अच्छा है, और आप लोग भी इसी तरह बनाइए। और ये कटहल की सब्ज़ी आप लोग इस तरीके से बनाएंगे फ्राई करके, तो आपको लाजवाब टेस्ट मिलेगा। और हमारी अंदाज में ही आप लोग बनाकर एक बार विजय लावादी को कमेंट करिए कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मिल बैठ कर आपस में ढेर सारा शेयर करिए, और बेल आइकन बिल्कुल न दबाइए। बेल आइकन दबाइए, भूलिए नहीं, सॉरी, इसके लिए कि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले जाएगा, और शेयर और जो भी हो आप सब्सक्राइब करेंगी तब भी जाएगा नोटिफिकेशन। लेकिन आप लोग लाइक करते रहिए, इसी तरह देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। और अगला वीडियो आपको क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकती हैं। थैंक यू।